नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टेंस में आपको वर्ब्स के फॉर्म्स याद करना, ठीक है। यदि आपको टेंस का सभी आपको रूल्स भी पता है लेकिन वर्ब्स के आपको सही फॉर्म्स नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी गलतियाँ होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वर्ब्स के फॉर्म को याद करने में, क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म ऐसे होते हैं कि जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो जिसके लास्ट के दोनों ही जैसे होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म ऐसे रहते हैं जो तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो यहाँ मैंने एक कैटेगरी बना दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको बहुत ही पसंद आने वाली अच्छी वीडियो। आज के बाद आपको वर्ब्स की और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तीनों फॉर्म एक जैसे, वर्ब के जो फॉर्म है तीनों जो एक जैसे होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, याद करने में बहुत ईजी होगा आपको। मैंने पूरा एकदम अच्छे से जमा के रख दिया आप लोगों के लिए। और एक रहता है जैसे तीनों फॉर्म जिसके अलग अलग होते हैं, तीनों फॉर्म जिसके अलग हैं वो भी मैंने बनाया हुआ, आपको दिखा देता हूं एक बार, उसका डिटेल में हम यहां पे वीडियो में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तीनों फॉर्म अलग अलग है, यहां पे देखिए ये तीनों फॉर्म जिसमें अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। फिर मैंने लेके आया उसके बाद कि जिसमें सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है ना वो एक जैसे हैं, सेकंड और थर्ड एक जैसे, देखिए सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड एक जैसे हैं, फर्स्ट बस अलग है, सेकंड थर्ड एक जैसे हैं। और मैंने एक कैटेगरी बनाया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे ईडी फॉर्म वाला, ठीक है, लास्ट में ईडी लग जाता है, तो जहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी रहता है, ईडी जैसे आस्क आस्क्ड आस्क्ड है ना, ये के है, थोड़ा सा फॉन्ट के नाम से ऐसे दिख रहा है क्योंकि मैंने ही बनाया तो मोबाइल से बनाया, थोड़ा फॉन्ट की प्रॉब्लम है, तो आस्क्ड आस्क्ड। तो ये देखिए इतने अच्छे तरीके से मैंने इसे पूरे तरीके से आपके लिए कैटेगरी बना दिया है, इससे आपको बहुत ईजी होगा याद करने में, बहुत ही आसानी से याद होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तीनों फॉर्म जिसके एक जैसे हैं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका इसके हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, कट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी कट, थर्ड भी कट, कट 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 यानी होता है काटना, पुट 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 तीनों फॉर्म पुट, पुट यानी होता है रखना, शट 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 यानी होता है बंद करना, बस शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो इस टाइप से, बैट 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 यानी होता है शर्त लगाना, हर्ट 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 यानी होता है किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख देना, दुखी करना है ना, चोट पहुंचाना, उसे हर्ट करना बोलते हैं, स्प्रेड 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 यानी होता है फैलाना। अब यहां पे देखिए स्प्रेड यानी फैलाना, सेकंड फॉर्म में और कुछ इसका मीनिंग होगा, फैलाया ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थर्ड में अलग, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेन इसका मीनिंग क्या है वो मैंने लिखा है, वैसे सेकंड में थोड़ा इसका मीनिंग अलग हो जाता है, जैसे कट यानी काटना, काटता है, कट सेकंड फॉर्म यदि है तो काटा ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है, बाकी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तीनों फॉर्म तो एक ही जैसे हैं। अपसेट 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 यानी होता है उदास होना, परेशान होना, उसे अपसेट कहते हैं। स्प्लिट 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 यानी दो भाग में बिल्कुल ऐसे फाड़ देना, काट देना, दो स्प्लिट करना बोलते हैं। कास्ट 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 यानी होता है जाल फेंकना, जाल लगाना, कास्ट करना बोलते हैं। रिड 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 यानी होता है पीछा छुड़ाना, गेट रिड ऑफ से बोलते हैं ना। हिट 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 यानी मारना किसी को, उसे हिट करना बोलते हैं। सेट 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 यानी किसी को जमाना, सेट कर देना, अच्छे से जमा के रखना, ठीक है। कॉस्ट 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 यानी होती कीमत। रीड रेड रेड, अब आप बोलेंगे सर तीनों तो रीड लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको समझने की बात है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, बाकी सेकंड थर्ड को रेड रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड, बाकी लिखेंगे सेम, तो रीड रेड रेड यानी होता है पढ़ना। बिड 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 यानी होता है बोली लगाना, बिड लगाना। अब ये तो हो गया आपका कि तीनों फॉर्म जिसके एक जैसे हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग से रखना था, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, क्या है तीनों फॉर्म ही अलग अलग है। देखिए फर्स्ट फॉर्म अराइज, अरोज अराइजन यानी होता है उगना, उगना उगा, ऐसे अलग अलग मीनिंग है, लेकिन मेन मीनिंग क्या है अराइजन होता है उगना। अवेक, ये मैंने बता दिया के है, आर जैसे दिख रहा है के है फॉन्ट के नाम से, अवेक अवोक अवोकन जगना है ना, जागते हैं नींद से, अवेक। अब यहां पे देखना बेर बोर बॉर्न, सहना भी होता है, जन्म वाले भी बॉर्न होता है, सहना को बेर करना बोलते हैं, ठीक है। बिगिन बिगेन बिगन शुरू होना, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन शुरू हुआ ऐसे बोलते हैं ना। बाइट बिट बिटन, बाइट यानी काटना, बिट यानी काटा, ऐसे होगा मीनिंग, लेकिन मेन मीनिंग बता दिया मैं। ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लो यानी होता है फूंक मारना या फिर बहना, ब्लो करना बोलते हैं। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक यानी टूटना होता है। चूज चोस चूजन यानी होता है किसी चीज को चुनना, उसे हम चूज करना बोलते हैं।
डू डिड डन, डू डू याने करता है, डिड याने किया, डन याने किया है ना, किया है, किया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो डू याने करना। ड्रॉ ड्रिव ड्रॉन, खींचना, लकीर खींचने से ड्रॉ करना, ऐसे बोलते हैं। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक याने होता है पीना, ड्रैंक याने पिया, ऐसे। ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना। ईट एट ईटन, देखिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ब्स लेके आया है जो हमेशा यूज होता है और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी हम कौन से वाले में हैं, जो तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। ईट करना यानी खाना, खाने की क्रिया। फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, गिरना। फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, उड़ना, उसे हम फ्लाई करना बोलते हैं, फ्ल्यू उड़ा, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अभी भी हम उसी में हैं कि तीनों फॉर्म अलग अलग, चलिए देखते हैं, अभी उसी का नेक्स्ट पेज है, लास्ट तक बनाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी, एकदम निश्चिंत रहेंगे आप। फॉरबिड, ठीक है, फॉरबिड ऐसे पढ़ते हैं, आर थोड़ा सा ना, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन यानी मना करना, किसी चीज को फॉरबिड करना। फॉगेट फॉगॉट फॉगॉटन यानी भूलना। फॉगिव फॉगेव फॉरगिवन, माफ करना, फॉगिव करना, फॉरगिव ऐसे बोलते हैं। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, जमाना जमाना, फ्रीज करना, जमा देना बर्फ जैसे, उसे फ्रीज करना। गिव गेव गिवन, देना, गिव याने देना, गेव याने दिया, ऐसे होता है ना, थर्ड फॉर्म में गिवन का यूज करते हैं। गो वेंट गॉन, जाना चले जाना, गो याने जाता है, वेंट याने गया, ऐसे। ग्रो ग्रीव ग्रोन, बढ़ना, देखिए तीनों में अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। हाइड हिड हिडन, छिपना, हाइड याने छिपता है, हिड याने छिपा, ऐसे, ठीक है। नो न्यू नोन, जानना, न्यू नो यानी जानता है, न्यू यानी जाना, ऐसे होगा। रिंग रैंग रंग, बजना, घंटी बजना। राइड रोड रिडन, सवारी करना। सी सॉ सीन, देखना, सी यानी देखता है, सॉ यानी देखा, ऐसे है ना। शेक शूक शेकन, हिलाना, हैंड शेक करो, हाथ हिला, ऐसे मतलब शेक यानी हिलाना, या फिर बॉटल को शेक करो, बॉटल हिला के पियो, उसमें लिखा होता है ना, दवाई वाई पीते तो शेक द बॉटल, ऐसे लिखा होता है वो। सिंग सैंग संग, गाना, गाता है, गाई या गाया, ऐसे। सिंक सैंग संक, डूबना, सिंक क्या होता है, डूबना। स्पीक स्पोक स्पोकन, बोलना, बोलता है या फिर बोला, सेकंड फॉर्म में। स्टील स्टोल स्टोलन, चुराया, ये वाला स्टील क्या होता है, चुराना। स्विम स्वैम स्वम, तैरना। टेक टुक टेकन, लेना, टेक याने लेना, टुक याने लिया। थ्रो थ्रू थ्रोन, फेंकना, थ्रू फेंका, ऐसा। वेयर वोर वॉन, वैसे वेयर बोलते हैं, वेयर वोर वॉन, पहनना। राइट रोट रिटर्न, डब्ल्यू साइलेंट है, राइट पढ़ेंगे लेकिन लिखने लिखेंगे, लिखना, राइट यानी लिखना, लिखता है, रोट यानी लिखा, ऐसे होगा। विड्रॉ विथड्रॉ सॉरी विड्रू विड्रॉन, विड्रॉ विड्रू विड्रॉन यानी होता है निकालना, मतलब पैसा विड्रॉ करना, क्लियर हो गया। तीनों वो आपके फॉर्म अलग अलग थे, देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, कोई इसमें मेल नहीं है। तो पहला हमने देखा कि तीनों सेम है, दूसरा हमने देखा तीनों अलग है। अब देखते हैं सेकंड और जो थर्ड फॉर्म्स है वो एक जैसे हैं, ये सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं, ठीक है। यहां पे ईडी वाले को नहीं लिया, मैंने ईडी वाले को अलग से ले लिया ताकि आपको और आसानी हो। बेंड बेंट बेंट, मुड़ना। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, लाना, सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी वही है। बिल्ड बिल्ट बिल्ट, देखिए डी और टी का अंतर है, यानी बनाना। बाय बॉट बॉट, खरीदना, बाय यानी खरीदता है, बॉट यानी खरीदा, ऐसे। कैच कॉट कॉट, पकड़ना, कैच यानी पकड़ता है, कॉट यानी पकड़ा, ऐसे हो जाएगा। डेयर डेयर डेयर्ड, हिम्मत। डील डेल्ट डेल्ट, सौदा करना। डिग डग डग, डिग यानी खोदना, डग यानी खोदा, ऐसे सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसी का ही है जिसमें सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसे है लेकिन ईडी वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अलग, ईडी वाले का लास्ट में मैंने बनाया। हाँ, ये फीड फेड फेड, फीड यानी होता है खिलाना, किसी को भोजन कराना। फील फेल्ट फेल्ट, फील यानी महसूस होना, लगना है ना, तो महसूस हुआ, महसूस होता है, महसूस हुआ, ऐसे लगा लगा, ऐसा। हैंग हंग हंग, लटकना लटकाना, हैंग करना। Have had had, have यानी किसी के पास कुछ चीज़ होना, had यानी किसी के पास कुछ चीज़ था, तो वो have का जो ये एक helping verb भी होता है लेकिन helping verb नहीं, यहाँ पे verb के रूप में यूज़ किया गया है। Have यानी I have a pen, मेरे पास एक pen है, I had a pen, मेरे पास एक pen था, ऐसे। Hold held held, hold यानी पकड़ना, held यानी पकड़ा।
कीप केप्ट केप्ट, कीप यानी रखना, कीप केप्ट यानी रखा, ले लेड लेड, ले यानी पड़ा रहना, ठीक है, पड़ा था, लेड पड़ा था, ले यानी पड़ा रहना, लीड लेड लेड, अगुवाई करना, किसी का लीड करना, आगे बढ़ना, ठीक है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ा, ऐसे होगा मतलब, ठीक है, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये वाला लूज यानी खोना, लॉस्ट लॉस्ट, खोया खोया, ऐसे हो जाएगा, मेक मेड मेड, बनाना, मेक यानी बनाता है, मेड यानी बनाया किसी चीज को, ऐसे, मीट मेट मेट, मीट यानी मिलना, मेट यानी मिला, ऐसा हो जाएगा, पे पेड पेड, पे यानी भुगतान करना, किसी को देना, पेड यानी भुगतान किया, से सेड सेड, से यानी कहता है, सेड यानी कहा, ऐसे हो जाएगा, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, स्लीप यानी सोना, स्लैप्ड यानी सोया, स्लाइड स्लिड स्लिड, स्लाइड यानी फिसलना, बोलते ना स्लाइडर, स्लिड स्लिड, फिसला फिसला, ऐसे, स्पेंड खर्च करना, स्पेंड खर्च किया, ऐसे स्पेंड स्पेंट स्पेंड, डी और टी का अंतर है, स्टिक स्टक स्टक, स्टिक यानी चिपकना, स्टक यानी चिपका, स्टक, ऐसे होगा, स्टैंड स्टूड स्टूड, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, स्वीप स्वैप्ट स्वैप्ट, स्वीप यानी झाड़ू पोछा लगाना, स्वीप करना बोलते हैं, उसी का स्वैप, पोछा लगाया, स्विंग स्वंग स्वंग, ठीक है, तो स्विंग यानी झूलना, टीच टॉट टॉट, सीखना सिखाया, टेल टोल टोल, टेल यानी कहता है, टोल यानी कहा, थिंक थॉट थॉट, थिंक सोचना, थॉट सोचा, विन वन वन, वन 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 बोले, विन यानी जीतता है, वन यानी जीता, ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो गया, यहां पे सेकंड और थर्ड फॉर्म जहां पे अलग थे, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म यहां पर भी अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग है, लेकिन क्या है, सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसे, यहां पर भी देखिए सेकंड थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड थर्ड फॉर्म यहां पर भी एक जैसे थे, फर्स्ट बस अलग था, सेकंड थर्ड एक जैसे थे, यहां पर भी वही है, सेकंड थर्ड एक जैसे ही है, देखिए लेकिन अलग से मैंने ईडी वाला लिया है, सेकंड थर्ड में ईडी ईडी है, सब में ईडी ईडी आपको मिलेगा, तो याद करने में आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे ईडी वाला फॉर्म नहीं था, मैंने देखिए पूरा ऊपर तक सेकंड थर्ड अलग है, ईडी वाला नहीं लाया, यहाँ पे मैंने ईडी वाला अलग से लिया, जहाँ पे सेकंड थर्ड में ईडी आएगा, तो देखिए याद करने में कितनी आसानी होगी आपको, चलिए देखिए, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, बस ईडी ईडी लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसे लिया है, आस्क यानी पूछता है, आस्क्ड यानी पूछा, ऐसे होता है, ठीक है, अटैक अटैक्ड अटैक्ड, हमला करना, बैग बैग्ड बैग्ड, बैग यानी मांगना, भीख मांगना, फिर मांगने को बैग कहते हैं, क्षमा मांगना, कोई भी चीज को मांगने को हम बैग कहते हैं, तभी तो बेगर बना भिखारी, तो भीख मांगना जरूरी नहीं है, केवल मांगना बोल सकते हैं, बोरो बोरोड बोरोड, उधार लेना, बोरो करना, क्लाइम चढ़ता है, क्लाइम चढ़ा, ऐसे हो गया क्लाइम्ड, केयर केयर्ड केयर्ड, परवाह करना है ना, आई केयर फॉर यू, ऐसे बोलते हैं ना, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, क्लोज यानी बंद करना, क्लोज यानी बंद किया, ऐसे हो जाएगा, देखिए केवल ईडी ईडी जुड़ा है, लास्ट पेज है, ईडी वाला ही है, लेकिन एक बार देख लीजिए ताकि फिर आपको बहुत ही इजी हो, अगले बार आपको जब भी कभी वर्ब का फॉर्म लिखना हो तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड, पार करना, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, पूरा, क्राई क्राइड क्राइड, चिल्लाना चिल्लाना, चिल्लाता है चिल्लाया, ऐसे हो जाएगा, कॉम कॉम्ड कॉम्ड, कंघी करना, कॉम उसे कॉम पढ़े, कॉम्ब ऐसे नहीं पढ़े, कॉम ऐसे होता है, डिफीट हराना, डिफीटेड हराया, डिफीटेड, डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड, बांटना बांटा, ऐसे ठीक है, अर्न कमाता है, अर्न कमाया, अर्न ठीक है, अर्न अर्न अर्न, सब में ईडी ईडी बस लगा है सेकेंड थर्ड फॉर्म में, फिनिश समाप्त करना, फिनिश समाप्त किया, फिनिश समाप्त किया, खत्म करना, इनवाइट किसी को निमंत्रण देना, इनवाइटेड निमंत्रण दिया, इनवाइटेड निमंत्रण दिया, जंप कूदना, जंप्ड कूदा, जंप्ड, तो ईडी डी, ज्वाइन ज्वाइंड ज्वाइंट, ज्वाइन यानी जुड़ना, ज्वाइंट ज्वाइंट, जुड़ा जुड़ा, ऐसे हो जाएगा, किक लात मारना, किक्ड लात मारा, किक्ड लात मारा, लाफ हंसना, लाफ्ड हंसा, लाफ्ड हंसा, नीड जरूरत है, नीडेड जरूरत थी, नीडेड जरूरत थी, ओपन खुलना, ओपन खुला, ओपन खुला, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर पॉलिश, ये पॉलिश माने वाला पॉलिश है, यानी चमकना, पॉलिश्ड चमका, ऐसे हो गया पॉलिश्ड, प्रे प्रेड प्रेड, प्रे यानी प्रार्थना करना, प्रेड यानी प्रार्थना किया, प्रूव साबित करना, प्रूव्ड साबित किया, प्रूव्ड, ठीक है, ईडी ईडी जुड़ गया, प्रॉमिस वादा करना, प्रॉमिस्ड वादा किया, प्रॉमिस्ड, सिलेक्ट चुनना, सिलेक्टेड चुना गया, सिलेक्टेड चुना है ना, सर्व सेवा करना, सर्व सर्व, देखिए ईडी डी जुड़ा हुआ, बस दो चार बचा है, स्माइल मुस्कुराता है, स्माइल मुस्कुराया, स्माइल मुस्कुराया, स्टार्ट शुरू करना, स्टार्ट शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, सॉरी स्टार्टेड स्टार्टेड है, टॉक बात करना, या फिर टॉक्ड बात किया, टॉक्ड बात किया, टच छूता है, टच्ड छुआ, टच्ड थर्ड फॉर्म,
ट्रेवल यात्रा करता है, ट्रेवल यात्रा किया, ट्रेवल यात्रा किया, ठीक है। वेट इंतजार करता है, वेटेड इंतजार किया, वेटेड इंतजार करना। वर्क काम करना, वर्कड काम किया, वर्क थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपने देखा पूरा, ये मैंने अपने मेहनत से बनाया, कहीं पे भी आप सर्च करिए आपको नहीं मिलने वाला इतने अच्छे तरीके से। इसको आपको मैं इसका PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से देखेंगे। अब इतना अच्छा है क्या बताऊँ मैं आपको, ये देखिए एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बनाया क्या हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं याद करने का तरीका, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि तीनों फॉर्म एक जैसे, ठीक है, जहाँ पे तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, पहला। दूसरा मैंने बनाया तीनों फॉर्म अलग अलग, क्लियर है, ये आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद मैंने बनाया है वहाँ पे कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे, सेकेंड और थर्ड एक जैसे, देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, क्लियर है। और फिर मैंने बनाया वहां पे कि सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे तो हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन ये ईडी लगा हुआ है लास्ट में, ईडी वाला मैंने अलग से लगा दिया है, इसी का ही ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे ईडी वाला नहीं लिया, यहाँ पे ईडी वाला ले लिया ताकि आपको और ईडी वाला याद करने में आसानी हो। देखते ही समझ, हाँ ये तो ईडी वाला है, यहाँ पे तीनों अलग रहेगा, मतलब यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, सामने का अलग रहेगा, और ये सब याद कर लो। तीनों फॉर्म एक जैसे तो बहुत ईजी है, बस दो इतना ही है, दो चार्ट में एक्स्ट्रा होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तीनों फॉर्म एक जैसे वाला, तीनों फॉर्म अलग को याद कर लो, हो गया। और कितना चाहिए आपको, जो बच गया उसमें ईडी लगा दो, यदि समझ नहीं आ रहा है तो, हम तो ऐसे ही करते थे, लेकिन सीखना है तो अच्छे तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ हूँ, मेरी मेहनत पसंद आई हो, बहुत मेहनत करके मैंने इसे लिखा है, बनाया, प्रिंट किया है। तो यदि मेहनत पसंद आई हो आपको, इससे आसानी होगी पढ़ने में, और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है मिक्स करके दे दूंगा अगर इसी को पूरा। बहुत सारे कई लोग दिखाते हैं ना 1000 वर्ब्स के फॉर्म, है ना, 2000 3000, ठीक है, लेकिन आप क्या याद कर पाओगे उसे, याद करने में आसानी बिल्कुल नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी कि आपको पता चल जाएगा इसके तो तीनों फॉर्म अलग है, ये तीनों एक जैसे हैं, फट से याद हो जाएगा। किसमें ईडी लगता है वो आप एक बार देख लीजिए, ऐसे राह चलते ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे आँख फिर आगे, हाँ इसमें ईडी लगता है, ये दोनों अलग अलग है, फिर आपको बहुत ही आसानी से वर्ब्स के फॉर्म याद हो जाएंगे। और ये बहुत जरूरी, पता ना इंग्लिश बोलना है लिखना है बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ PDF मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।